ईश्वर, आज का दिन मेरी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आए, मेरे सारे सौदे निपट जाएं, मेरा बैंक बैलेंस इस तरह बढ़ता जाए जिस तरह हिंदी सिनेमा में सेक्स और वायलेंस बढ़ता जा रहा है ईश्वर, और मेरे दुख इस तरह घटते जाए जिस तरह सिनेमा सेटअप में दाढ़ी वाले 8 फिल्म डायरेक्टर्स घटते जा रहे हैं। हे प्रभु, इस दुनिया की समस्याओं और पॉलिटिक्स से निपटने के लिए मुझे अनुपम खेर का पब्लिक रिलेशन दे, बोनी कपूर की चाणक्य नीति दे, धर्मेंद्र की शक्ति दे और सुनील शेट्टी के मसल्स दे। हे प्रभु, तू एक महान 70 mm फिल्म है और हम उस फिल्म की छोटी छोटी फ्रेम। जय हो प्रभु। ओम विजया शांति, ओम डिस्को शांति, सुपर हिट क्या सुबह सुबह बड़बड़ कर रहे हो प्रकाश, मुझे सोने में नहीं देते। अरे रुक्मणी, रुक्मणी पता है मैंने सपने में प्रभु के दर्शन किए, और मजे की बात तो यह है कि उनकी डायलॉग डिलीवरी की भी डबिंग मैंने की। सो जाए। रुक्मणी, रुक्मणी ये देखो। क्या हुआ, क्या हुआ प्रकाश? हमारे घर में चोरी हो गई क्या? हाँ रुक्मणी, हमारे घर से कोई ऐसी चीज गई है जो कभी लौट कर वापस नहीं आएगी। हे भगवान, काम वाली बाई चली गई? नहीं। कुकिंग गैस? नहीं बाबा नहीं। तो फिर और कौन सी चीज है जो एक बार चली गई वापस नहीं आएगी? जवानी रुक्मणी, जवानी। हाँ, अजब ये दुनिया है फानी देखी, हर चीज यहाँ आनी जानी देखी, जो आकर न जाए वो बुढ़ापा देखा, और जो जाकर न आए वो जवानी देखी। अरे नहीं 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 प्रकाश, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तुम 10 साल पहले जितने हैंडसम और बोंदू लगते थे, आज भी बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो। रुक्मणी, इस बार मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मेरी मेरी बात क्या, साफ साफ बताओ ना। सुनना चाहती? हाँ। हिम्मत है तुम में? देखना चाहती हूँ क्या? तो देखो। ये सफेद बार। अरे ये मेरा नहीं है, तुम्हारा होगा। रुक्मणी, मैं प्रकाश जायसवाल हूँ, सैफ अली खान नहीं। मेरा बाल इतना लंबा कैसे होगा? कभी ना कॉमन सेंस इस्तेमाल किया करो। अरे मेरा कैसे हो सकता है प्रकाश, मेरी तो अभी उम्र ही क्या हुई है। पता है आजकल भी मुझे चाइल्ड स्टार के ऑफर मिलते हैं। देखना चाहती हूँ? नहीं हो सकता। तो आओ, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ। आओ। आओ। Oh my God, मेरे बाल इतनी जल्दी सफेद कैसे हो गए? रुक्मणी, उम्र के साथ साथ तुम्हारे बाल सफेद नहीं होंगे तो क्या काले होंगे? मैं क्या करूँ प्रकाश, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। अरे ना रुक्मणी ना, ये समझो तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हुई है। अरे पता है आजकल के कितने जवान और यंग आर्टिस्ट सफेद बालों की विग लगाते हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस और वो दोनों मैच्योर लगे। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी हालत पे मजाक कर रहे हो, मैं क्या करूं? तुम्हें क्या करना ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अब मैं जवान और खूबसूरत लड़कियों के साथ अफेयर्स कर सकूंगा, और वो भी बिना गिल्टी फील किए। तुम कैसे कह सकते हो? तुमने मुझे ये कैसे कहा? मैं तुम्हें छोडूंगी नहीं, मैं तुम्हें छोडूंगी नहीं। ओहो, तुम तो बैंडिट क्वीन की तरह आक्रामक हुए जा रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है प्रकाश, अब मैं क्या? अरे नहीं मेरी जान, नहीं नहीं। अरे रुक्मणी, 9 बजने वाले, मेरी पूना की ट्रेन छूट जाएगी, कुछ करो भाई। तुम ये आजकल रोज रोज पूना क्यों जाते हो? क्या है वहाँ? जमीन है वहाँ रुक्मणी, जमीन है, क्योंकि बंबई की सारी जमीनें तो बिल्डर्स और भाई लोगों ने हड़प कर ली है। अब तो एक ही चारा बचा है, पूना की जमीन है। और अगर यही हाल रहा तो हो सकता है बहुत जल्द मुझे अंडमान निकोबार जाना पड़े रुक्मणी। अंडमान निकोबार? वहाँ काला पानी होता है ना? बहुत अच्छी बात है, मैं भी वहां जाकर के उसी पानी से अपने बाल काले कर लूंगी। चिंटू बंटी, यार तूने तो कहा था डैडी के साथ मम्मी भी पुना गई है, ये कहां से आ गई? संभालेंगे, चलना।
चिंटू बंटी ये सब क्या हो रहा है? पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है ना? पार्टी? अरे मगर सारे इलेक्शंस तो हो गए, अब कौन सी पार्टी? वाइल्ड बॉयज एंड गर्ल्स। वाइल्ड बॉयज एंड मतलब जंगली लड़के लड़कियाँ? नहीं माँ, ये हमारा ग्रुप है। वाइल्ड बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा अच्छा, अब क्या करें? पार्टी का क्या होगा? आइडिया। मम्मी एक आइडिया है। हाँ बोलो। आज भाईदास हॉल में अनूप जलोटा का एक प्रोग्राम है, अब जाओ मदर प्लीज। क्या अनूप जलोटा? व्हाट अ सिंगर मॉम, व्हाट अ सिंगर। अच्छा, वाह भाई वाह, अनूप जलोटा इट्स माय लाइफ नहीं करते, वो भजन गाते हैं। वही वही, आप जाओ ना प्लीज ना मम्मी। मुझे कोई भजन वजन देखने का मूड नहीं है। तो आप हम आपके हैं कौन देखने जाओ दसवीं बार। आप दोनों मुझे घर से बाहर क्यों निकालना चाह रहे हैं? और ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? मम्मी प्लीज, आप क्या है कि आज ना पार्टी है। पार्टी है? हाँ तो जाओ ना, मैंने कभी रोका है तुम्हें बर्थडे पार्टी में जाने से? नहीं नहीं, वो हमारे घर में पार्टी है, और वो बर्थडे पार्टी नहीं, डिस्को पार्टी। माय गॉड, घर में डिस्को पार्टी? अरे चिंटू पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? बिल्कुल नहीं होगी, हर किस नहीं होगी। आप लोग सब काम रोक दो, यहाँ कोई पार्टी नहीं होने वाली है। प्लीज प्लीज, हमें पार्टी करने दो ना। नहीं 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 मम्मी प्लीज, हमारे घर को तोड़ फोड़ के रख दोगे तुम लोग? नहीं नहीं, वो हम संभाल लेंगे, मैं उन्हें समझा दूंगा। प्लीज प्लीज मम्मी, अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो क्या होगा? नहीं नहीं बताएंगे प्लीज। देखो तुम पापा को नहीं बताओगे ना? नहीं। घर में कुछ गड़बड़ भी नहीं होने दोगे ना? नहीं। इन सब पे ध्यान रखोगे ना? नहीं। पक्का? तो फिर कर लो पार्टी। ये! थैंक्स मॉम, अब आप जाओ। जाओ? क्यों जाऊं? तुम लोग नीचे पार्टी करो, मैं ऊपर बैठूंगी। वो क्या है कि हमारा जो ग्रुप है ना, वो थोड़ा यंग है, मॉडर्न है, थोड़ा हैप है। तो? आप उसमें फिट नहीं हो। हम सब में थोड़ा ओल्ड लगोगी। यानी कि मैं आप इन लोगों को भी ओल्ड लगने लगी हूँ? यो नहीं जी नहीं, तुम ओल्ड नहीं जी, तुम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। प्रकाश को तो मैं ओल्ड लगती हूँ, कहता वो दूसरी बीवी लाएगा जवान। नहीं नहीं भाभी, वो मजाक करता हूँ जी, उनका बात का बुरा नहीं मानना। भाभी एक बात बोले, वो ग्रेस ना जी, ग्रेस नाम का चीज, उसके साथ बूढ़ा होने में बहुत मजा जी। मेरे बच्चों को भी मैं बूढ़ी लगती हूँ। कहते पार्टी में बताना, चली जाओ यहाँ से। भाभी डरने का नहीं, डरने का नहीं, ये तो बहुत थोड़ा छोटा सा प्रॉब्लम जी, जनरेशन गैप। जैसा हमारा रंगा के बीच में जनरेशन गैप। करेक्ट। इधर बैठने का तो चुप करके बैठने का। भाभी इतना इमोशनल प्रॉब्लम लेके आया, तुम जोक मारता वो भी घटिया जोक, ये कोई कॉमेडी सीरियल नहीं जी, लाइफ का बात, लाइफ। मालिनी, मेरी तो सारी जिंदगी खत्म हो गई एक सफेद बाल की वजह से। नहीं नहीं भाभी, नहीं नहीं भाभी, ऐसा बात नहीं बोलने का। क्या जी, तुम इंटरवल में सोचेगा कि पूरा फिल्म खत्म हो गया तो ऐसा कैसे चलेगा जी? अयो प्रोड्यूसर का हार्ट फेल हो जाएगा जी, वो खत्म हो जाएगा। मालिनी, मालिनी, क्या मैं ललिता पवार, निरूपा रॉय जितनी बूढ़ी लगती हूँ? तुम रीमा लागू, फरीदा जलाल की तरह यंग एंड स्वीट मदर लगता जी। अभी ये नया हीरोइन तुम्हारे सामने क्या जी, तुम उनसे जास्ती खूबसूरत ब्यूटीफुल लगता जी। भाभी ये बच्चा लोग ना, ये बच्चा लोग का चीजों को देखने का एंगल थोड़ा अलग जी। एंगल? अयो उनको ये बैंगल पसंद नहीं जी। उनका लाइफ स्टाइल अलग जी। अयो उनको ये हेयर स्टाइल नहीं पसंद जी। ये बच्चा लोग ना भाभी, इनका लाइफ को देखने का इनका नजरिया थोड़ा अलग जी। तुम्हारा नजर कमजोर। अयो तुम ये चश्मा उतारो जी। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये इमेज चेंज भाभी। बंटी चिंटू का मम्मी आज से नया पैक में, नई खुशबू, नया अंदाज, नया रंग, नया रूप। एक मिनट, क्या मैं साबुन की टिकिया हूँ या वॉशिंग पाउडर का ब्रांड? साबुन की टिकिया, वॉशिंग पाउडर खत्म हो जाता, नया मंगा सकता, पर बच्चों का माँ पर से प्यार खत्म नहीं होना चाहिए जी। वो जैसा मम्मी चाहता हम तुमको बनाएगा। या भाभी, आई एम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, द गर्ल फ्रॉम सांता बारबरा। पुराना मम्मी को ढूंढते रह जाओगे। आर यू सर्टेन, आई मीन तुम लोग सच में मुझे बदल पाओगे क्या? यो अयो,
आइयो नहीं बाबा। यो 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 मैम। तुम पार्टी में भी जाएगा रुकने? मैं? हाँ भाभी, बिल्कुल निक्की टुनाइट की तरह। रुकी टुनाइट। सॉरी सॉरी रुकी। यो अयो। हाय, आई एम रुकी। बंटी वो देख कौन है? मम्मी है। मम्मी, ओह माय गॉड, कितनी बदल गई है ना। अच्छी नहीं लग रही मैं? सुपर। थैंक्स बेबी। ये तुमने कैसे किया? बस कर लिया, तुम्हारी पार्टी में फिट होने के लिए। फिट हो गई मैं? सुपर हिट। थैंक्स स्वीटी। अब होएगा मुकाबला यंग और ओल्ड के बीच में। चिंटू बाबा, तुम हम लोग को क्या समझता? अयो रैप देखा, कितना अच्छा रैप सॉन्ग। अरे हम बाबा सहगल से लेकर केएल सहगल को सबको जानते जी। वाओ अंकल, आप डीजे क्यों नहीं बन जाते? डीजे बोले तो डिस्क जॉकी। नहीं 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 बाबा बाबा, हमको जॉकी नहीं बनने का जी। हम बचपन में एक बार मद्रास में घोड़े से गिर गया था, हमको घोड़े से बहुत डर लगता जी। अरे डिस्क जॉकी मतलब म्यूजिक इंचार्ज। म्यूजिक जॉकी जी, वो तो हम बनेगा। म्यूजिक तो हमारा ब्लड में जी, मद्रास में तो, हाँ मालूम मालूम। तुम जा तैयार हो जाओ, हम जाके म्यूजिक बजाएगा जी। रेडी आई एम टोनी। यू आर डांसिंग वेरी वेल। थैंक यू। बाय द वे रुकी, व्हाट्स योर नेम? रुकी। Come on, baby. It's too crowded. Come on, let's go for a walk. Tum jao, main aati hu. Oh, come on. Don't be so smart. You want gum? Huh? Kise hai gum? I mean to say chewing gum. काफी अच्छा डांस कर लेती है आप। थैंक्स। कहाँ सीखा? एक्चुअली जब मैं कॉलेज में थी ना, तब मैं यूथ फेस्टिवल में भांगड़ा करती थी। कॉलेज में थी? इसका मतलब आपने कॉलेज पास कर लिया? नहीं, मैंने कॉलेज छोड़ दिया। आई गॉट बोर्ड, नाउ आई एम इनटू फैशन डिजाइन। वो तो आपके ड्रेस को देख के लगता ही है। थैंक्स। मेरे पास कार है, कॉफी पीने चलोगी? पक्या ये पैक्स है कौन? पैक्स यानी प्रकाश, मेरा बाप। मम्मी है, सारी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। चलो मैं अपने घर पार्टी देता हूँ। चिंटू बंटी, चिंटू बंटी क्या हो गया? तुम लोग इतने नाराज क्यों हो गए? हमें ऐसी मम्मी नहीं चाहिए। मुझे भी। क्या जी, मम्मी जो कुछ भी किया वो तुम लोग का खातिर किया ना तो? हाँ सच, हमें पहले जैसी मम्मी चाहिए, साड़ी में चश्मे में, ऐसी डांस करने वाली मम्मी नहीं चाहिए। पहले वाली मम्मी
में अच्छी नहीं लगती थी ना, ओल्ड बूढ़ी वरना वो जो भी हो, लेकिन हमें वही मम्मी चाहिए। आई हेट यू रुकिए, आई हेट यू, आई डू हेट यू मम्मी, आई डू हेट। हाय मैं आ गया। मैं अरे क्या बात है, हैं तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? क्या हमारे फिल्मी चक्कर के स्पॉन्सर्स भाग गए? रेखा जी वो तुम्हारा दोनों छोटा बच्चा रूठ के चला गया जी। बच्चे तो रूठते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन ये बताओ रुक्मणी कहाँ चली गई? रुक्मणी, ये रुक्मणी है? नहीं नहीं नहीं, ये तो सीता और गीता की तरह रुक्मणी की स्मार्ट बहन है, रुकी रुकी। अरे क्या हो गया रुक्मणी तुम्हें? कल तुम अपने सफेद बाल को लेकर रो रही थी और आज इन कपड़ों में रो रही हो। इन कपड़ों में तुम बिल्कुल मिस इंडिया लग रही हो, मिस इंडिया। और तुम मिस्टर इंडिया की तरह क्यों गायब हो गए थे इन वक्त पर? प्रकाश जी वो क्या जी, कल वो भाभी चिंटू और बंटी का पार्टी में शामिल होने के लिए पूरा इमेज चेंज किया। रुक के उधर चिंटू बंटी का एक फ्रेंड रुक्मिणी पे फिदा हो गया जी। रुक्मिणी पे फिदा हो गया? अरे रंगा ये तो जबरदस्त प्लॉट है, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल का प्लॉट है। मैं तो कहता हूँ उसे फॉरेन डेवलप करो और किसी नए चैनल को भेज दो। 250 एपिसोड्स। बातें कर रहे हो तुम? ये देखो उधर बच्चा लोग रोता, इधर भाभी रोता, कुछ करने का जी जल्दी से। वो बहुत आसान है रंगा रुक्मिणी, ये फॉर्मूला तो मदर इंडिया से लेके करण अर्जुन तक यूज किया जा रहा है। कौन सा? ओफो कैसी बुद्धू हो तुम, इतनी फिल्में देखती हो फिर भी नहीं समझी। जाओ बच्चों के लिए गाजर का हलवा बनाओ, उनके लिए लोरियां गाओ, उनके लिए मन्नतें मांगो, बच्चे खुश हो जाएंगे। और वैसे भी बच्चों को माँ की जरूरत होती है, हीरोइन की नहीं। भाभी क्या जी तुमको एक बार फिर से इमेज चेंज करना पड़ेगा? हाँ रुक्मिणी हाँ, अपने मन में निरूपा रॉय, लीला मिश्रा, अचला सचदेव और दीना पाठक को संभालो। हाँ वही तुम्हें रास्ता दिखाएंगे रुक्मिणी। जाओ जाओ, बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी जल्दी जाने का भाभी, जल्दी। रुक्मिणी अब जाओ बच्चों। मैं नहीं होता तो इस घर का क्या?